आदाब सलाम सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं इस्लाम न्यूज़ मैरिज भी। मैं अभी पहुंच चुका हूं बिहार शरीफ के बाईपास में। यहाँ पर मन्नत रेस्टोरेंट फैमिली रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा है, स्वाद खाना हर चीज लजीज यहाँ पे है और टिफिन बैठकर यहाँ पर मिलता है, जैसा लोगों का कहना है। यहाँ के ऑनर उनसे ही बात करेंगे, लेकिन यहाँ की व्यवस्था दिखाएंगे, यहाँ के मेनू दिखाएंगे। मेरे पीछे आइए, दिखाते हैं यहाँ पर चार्ट। देखिए मन्नत रेस्टोरेंट, कैमरामैन को कहेंगे यहाँ पर दिखाएं। मन्नत रेस्टोरेंट पटना रांची रोड पे है, और अभी मीनू भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि मीनू में क्या क्या है। पढ़ के सुनाते हैं, मीनू का चार्ट है। ब्रेकफास्ट भी है, चाइनीज भी है, सोप भी है, इंडियन भी है, नूडल्स भी है, तमाम तरह की वैरायटीज यहाँ पे मन्नत रेस्टोरेंट में उपलब्ध है जो रांची रोड में है। एक बार यहाँ पे आए और यहाँ के लजीज व्यंजन का लुत्फ उठाए, यहाँ के जो ऑनर उनसे बात करेंगे। आइए, यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था आप लोगों के लिए दे रहे हैं सर, थोड़ा सा आप बताएं। मेरे यहाँ पे सभी प्रकार का मतलब व्यंजन है, तंदूर है, चाइनीज है, इंडियन है, और एक्चुअली मैं खुद एक शेफ है। हम खुद मतलब पहले ताज में जॉब करते थे, अच्छा, फिर एब्रॉड में 2 साल जॉब किए हैं, उसके बाद फिर मतलब प्लान किए लॉकडाउन में कि कुछ अपना करें, तो इसलिए अपना रेस्टोरेंट खोले हैं। आप कहाँ से बिलोंग? मैं एक्चुअली हम बिहार शरीफ से बिलोंग करते हैं, मेरा घर सौसराय हुआ। तो आप शेफ कहाँ इससे पहले? एक्चुअली हम दिल्ली में उस मतलब कॉलेज वगैरह किए थे, BHM का डिग्री लिए थे शेफ का। उसके बाद हम स्टार्टिंग किए थे ताज से, ताज रायपुर से मेरा फर्स्ट ज्वाइनिंग था। उसके बाद हयात जॉब किए थे पाक हयात, फिर दिल्ली में आए ताज में, फिर पुणे ताज के ट्रांसफर होके उसके बाद हम अब्रॉड चले गए, 2 साल अब्रॉड US में रहे। तो यहाँ पे जो आपने रेस्टोरेंट मन्नत इतना प्यारा नाम रखा है, तो कैसा यहाँ पर रिस्पॉन्स है लोगों का? जो एक बार खा के जाता है सर, वो दोबारा जरूर आता है। एक्चुअली क्या हो जाता है यहाँ पे व्हीकल का प्रॉब्लम, जिसके पास व्हीकल है उन्हीं को आना पड़ता है, नहीं तो फिर ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है लोगों को। बट और हमारा स्विगी पे भी अब हमने मतलब पार्सल वगैरह स्टार्ट कर दिया फूड का, स्विगी होम डिलीवरी भी दे रहे हैं। यस सर, स्विगी के साथ, स्विगी के साथ हम लोग टैप किए हैं। यस सर, क्या क्या यहाँ पर खास व्यंजन है जो सबसे स्पेशल है? मेरे यहाँ का सबसे मेन अभी के डेट में बिरयानी सबसे ज़्यादा मतलब डिमांड है बिरयानी का। उसके बाद 2-4 आइटम है, जैसे चिकन अंगारा, मतलब चिकन अंगारा यहाँ मतलब बिहार से में उस ढंग से कौन नहीं देता प्रेजेंट करके, मतलब उस ढंग का। और जो भी चीज़ देते हैं मतलब एक्चुअली नॉलेज है, नॉलेज हर चीज़ का बेसिक नॉलेज है, सब चीज़ तैयारी करके आए और कहीं सीखे, अच्छी प्रॉपर्टी में सीख के आता जैसे प्रॉपर्टी में। बड़ा ब्रांड, बड़ा नाम आपके साथ। जब भी जॉब मतलब सारा मतलब मेरा एक्सपीरियंस 5-स्टार होटल का ही है। उसके बाद बस लॉकडाउन में जाने ही वाले थे, फिर मतलब कंपनी का वहाँ बुला पड़ा, पर सोचा इतना इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं तो अपना ही जाना पॉसिबल पॉसिबल ही नहीं है। ये कब से यहाँ पे सेटअप अपना सर? 5 मंथ हो चुका है। कैसा 5 मंथ से इतना कम वक्त में कैसा लग रहा है? सर ठीक, एक्सपीरियंस बढ़िया है, बट हाँ थोड़ा सा दिक्कत यही रोड का है, ट्रांसपोर्टिंग का दिक्कत है। कस्टमर जो आते हैं खाते हैं दोबारा आते हैं, ये मेरी तरफ से है हमेशा, क्योंकि मैं खुद एक शेफ है और जो भी मैं काम करता दिल से करता, क्योंकि खाना सब बनाता है दिल से, जो बनाता है वही खाना अच्छा होता है। सर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, लोगों को क्या कहना चाहेंगे बिहारवासियों से? एक बार आए मौका देंगे तो फिर वो अपने आप आते रहेंगे, फिर उनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कस्टमर को। हम उसको चाहते हैं कि जो कोई चीज़ पे कर रहा है तो उसको उतना चीज़ मिलना चाहिए कि खुश हो के जाए। मेरा यही रहता टारगेट कि हर कस्टमर में आज खुश हो के जाए। गुलशन कुमार मेरे साथ मौजूद थे, गुलशन कुमार उन्होंने इनकी पढ़ाई की है, पर्याप्त उन्होंने ताज होटल में इसका शेफ खुद है, वो संतुष्ट होकर जाए, खाना अच्छा खा कर जाए, वो खुद दोबारा आएगी। वो इसलिए कि वो सबसे ज़्यादा यही कि ऑनर के साथ साथ वो खुद एक शेफ है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत कम ही ऐसे होटल मिलते हैं जो इस तरह के ऑनर होते हैं जो पहले खाना को सिर्फ उनका एक ही मकसद है गुलशन जी का, कि खाना लजीज हो और खाना स्वाद हो और सबसे अच्छा चीफ एंड बेस्ट चाहे। तो यहाँ पे आप लोग चुनावी सफर के दौरान चले थे, यहाँ पे रुके हैं, चाय का मजा लेंगे, चाय की चुस्की के साथ आपको बताएंगे चुनावी रणनीति। काफ़ी चाय का यहाँ इनका नाम है और चाय अलग ही तरह कुछ होता है, लड़का वो पिएंगे बताएंगे चुनावी सफर में, ये भी एक मज़ा है। चाय के साथ साथ आपको चुनाव तैयारी, आप दिखाइए कैमरा मैन को, कहेंगे चाय तैयारी कैसे हो रहा है वो दिखाएं। बहुत फेमस चाय है यहाँ पर का, लोग दूर दूर जाते हैं पीने के लिए चुनावी सफर में। मेरे साथ चुकी पहुँच चुकी है कुल्लर चाय के दुकान में, चाय का भी चुस्की लेंगे और चाय का भी स्वाद उठाएंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।